हेलो महादेव तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ऐसे स्टाइल जो कि आप साड़ी के साथ ले सकते हो, और वो भी शॉल के साथ, और वो बहुत ही यूनिक एंड डिफरेंट स्टाइल्स मैं आज आपको बताऊंगी। एंड लास्ट वन वाला तो मेरा बहुत ही फेवरेट है क्योंकि वो बहुत कम्फर्टेबल है। तो फर्स्ट स्टाइल जो कि इस तरह से है, एंड नाउ सेकेंड इज़ कि आपको इस तरह से पल्ला, जैसे साड़ी का पल्ला लेते हैं वैसे आपको शॉल वाला पल्ला लेना है, और इस तरह से आपको ले लेना है। और ध्यान रखना है आपको कि हमेशा शॉल ऐसे लो या तो मैचिंग हो आपकी साड़ी के साथ, या फिर कॉन्ट्रास्टिंग कलर हो, जो कि दोनों बहुत ही अच्छे लगे। फिर जो नॉर्मल साड़ी का पल्ला, उसको आपको इस तरह फोल्ड करके प्लीट्स बना के, और इस तरह से आपको आगे से अच्छे से एडजस्ट करके, और इस तरह से लेना है। ये बहुत ही अच्छा लुक देते हैं, एक महारानी स्टाइल से बोलते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। एंड हैवी साड़ी के साथ ये बहुत अच्छा जाता है, एंड बेस्ट है फॉर मैरिजेस फंक्शन के लिए। ये जो है पार्टी वेयर बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो हमेशा अच्छा होना चाहिए, तो आपके कोई भी स्टाइल हमेशा अच्छा लगता है। नाउ दिस वन इज द बेल्ट, आपको जस्ट एक साइड में ऐसे शॉल ले लेना है, और फिर उसको बेल्ट से स्टाइल कर लेना। इस स्टाइल में आपको नॉर्मली दोनों शॉल लेने हैं, और एक को पल्ले के अंदर की साइड से रख देना है, एंड दूसरे वाली साइड को बाहर से रखना और बेल्ट लगा देना है। ये भी काफ़ी स्टाइलिश यूनिक एंड मॉडर्न लुक आपको देगा, और काफ़ी स्टाइलिश लगता है, और काफ़ी अच्छा भी ये लगता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये स्टाइल्स कैसे लग रहे हैं, आप कौन सा वाला ट्राई करने वाले हो। तो नेक्स्ट है, ये बहुत ही ट्रेंडी है, बहुत ही अच्छा लगता है। आपको इस तरह से प्लीट्स बना देनी है, और इस तरह से बनाओगे ना तो ज़्यादा अच्छे से जो है जो फ्लावर बनने वाला है बहुत ही अच्छा बनेगा। और इसको एक रबर बैंड की हेल्प से टाई कर देना है, देन आपको उसको इस तरह से लेना है कुछ, और जो उसकी जो उसका साइड वाला है उसको रबर बैंड के अंदर लगा देना है टाइट से, ताकि वो निकले ना। एंड फिर आपको जो ये फूल है उसको अच्छे से शेप दे देना है फ्लावर के शेप में, एंड हियर यू गो। एंड ये बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, बहुत ही स्टाइलिश है, बहुत ज़्यादा यूनिक है। आप इसे साड़ी के उसको टॉप के साथ भी लाइक कर सकते हो एंड स्टाइल कर सकते हो, और ये बहुत अच्छा लगता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट एंड यूनिक है। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है, और आप इसको ट्राई करने वाले हैं या नहीं। नेक्स्ट वन इज आपको इस तरह से अपना पल्लू को एडजस्ट करना है, और इस तरह से लेना है, एंड देन आपको दोनों शॉल के कॉर्नर्स को नॉट कर देना है, और इसको ऐसे जैकेट आपको इस तरह से ले लेना है। और ये बहुत ही कम्फर्टेबल स्टाइल है, और इसमें आप बहुत ही कंफर्टेबल रहोगे, आप बहुत ही फ्री रहोगे, बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा। बहुत इजी टू कैरी है, इजी टू, इसमें आप कुछ भी काम कर सकते हो, कितना भी आपके हाथ मतलब इधर उधर रहे आपका शॉल नीचे नहीं गिरेगा, और आप बहुत ही कंफर्टेबल इसमें रहोगे, और ये दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, एंड आई थिंक आपकी ठंड भी बचा ही लेगा। तो ये थे मेरे स्टाइल्स, एंड आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए।